हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूँ कियास तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू जून 2022 रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू ने जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये अभी कंप्लीट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम स्टार्टिंग में हुए थे, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही आप टर्म एंड एग्ज़ाम रिजल्ट जून 2022 पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर 31 अगस्त का है, यानी 31 अगस्त को यहाँ पर अपडेट हुई थी रिजल्ट की। उसके बाद अभी तक कोई भी अपडेट रिजल्ट की नहीं की गई है। तो अगर आपका 31 अगस्त वाली अपडेट में आपका रिज़ल्ट आया है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो नेक्स्ट अपडेट अब इसकी आएगी, हो सकता है कल या परसों आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट देखने को मिले। उस अपडेट में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिज़ल्ट अभी पेंडिंग हैं, जो आपने पहले दिए एग्ज़ाम दिए हैं, उनके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलें। बट अभी कंप्लीट रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आप जानते हैं कि इग्नू के एग्ज़ाम्स काफ़ी लंबे चले हैं, इस वजह से रिज़ल्ट धीरे धीरे ही आना स्टार्ट होगा और कंप्लीट रिज़ल्ट आपको इस मंथ के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट आ गया और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो सकता है अभी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर ना किया गया हो, आने वाली अपडेट्स में आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जो स्टूडेंट री एवोल्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इग्नू ने लिंक ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री एवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022। अगर आप री एवोल्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से आपकी जो आंसर शीट है उसको चेक किया जाए, तो उसके लिए आप यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट बताना होगा किस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं। देन अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका री एवोल्यूशन फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आंसर स्क्रिप्ट के बारे में मिल जाएगी। बिल्कुल भी पैनिक ना करें अपने रिज़ल्ट को लेकर, पेशेंस बनाए रखें। आने वाली अपडेट्स आपके रिज़ल्ट उसमें अपडेट होंगे और आपके असाइनमेंट रिज़ल्ट भी साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।